वेलकम बैक स्टूडेंट्स। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल सर्किट। कैसे हम लोग रेजिस्टेंस को, कैसे करंट को, कैसे पावर को, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस को निकालेंगे, उसके लिए आज एक वन शॉट में वीडियो अपलोड करना है। कि एक सर्किट दिया हुआ है, उसमें तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 4 ओम का, दूसरा 8 ओम का, तीसरा 8 ओम का, 2 एमीटर लगा हुआ है, एमीटर 1 एमीटर 2। ये जो अभी सर्किट है, अभी देखिए ओपन सर्किट बना हुआ है, इसको मैंने क्लोज कर दिया, ये करंट यहाँ जाएगा, करंट का जाना शुरू हो गया। करंट का आपको ऐसे ही बताना, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसमें क्या क्या निकालना है आपको। पहला तो निकालना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रेजिस्टर इन कॉम्बिनेशन, दूसरा है करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर, तीसरा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए डिफरेंट। इसमें 5 तरह के क्वेश्चन है, एक शॉट में क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपके पास जो ये है डाटा, तो ये दोनों किसमें जुड़ा हुआ था, पैरेलल जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 8 ओम के थ्रू कॉम्बिनेशन को आपको निकालना है, कंबाइंड रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो से निकालना है। तो पहला इसमें क्या है, इस प्लस में क्या करेंगे, देखो इससे पहला वो जो दोनों रजिस्टर है पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो पैरेलल के लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या करते हैं, आर इफेक्टिव बराबर क्या होता है, 8 × 8। या ऐसा कर लेंगे R1 × R2 बटा R1 + R2, तो 8 × 8 हो जाएगा और 8 + 8 यानी कि कितना हो जाएगा बाबू, 4 ओम हो जाएगा ना। पहला फर्स्ट क्लियर हो गया। दूसरे में क्या बता रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर्स। अब करंट निकालना है रेजिस्टर्स में से कितना करंट जाएगा, इसे निकालने के लिए पहले आपके पास जितने रजिस्टर लगे हुए हैं सबको पहले ऐड करेंगे। एडिंग के वक्त क्या देखेंगे, उस दोनों का वैल्यू कितना आया, 4 ओम आया, ऐसा कितना आया, 4 ओम आया, है ना जी। अब जो बैटरी लगा हुआ है उसमें बैटरी का कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो अगर बैटरी का वैल्यू मान लो मैंने दे दिया यहाँ पे 8 वोल्ट तक मैंने लिख दिया, तो जो रजिस्टर होगा सर्किट का जो आर टोटल होगा, आर नेट जो हम लोग निकालेंगे, तो क्या कर देंगे, 4 + 4 बराबर 8 ओम हो गया, क्योंकि वो 4 ओम और फिर ये वाला 4 ओम करेंगे, हो गया ना। आई निकालेंगे, आई बराबर क्या होता है, वो भी बटा आर, भी बराबर कितना आ गया, 8/8, कितना एम्पियर आ गया, 1 एम्पियर। अब आप लोग पढ़े होंगे पहले, या मैंने आपको पढ़ाया होगा कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, तो सीरीज में जब आते हैं सर्किट, तो करंट जो है ना, टोटल करंट हर सर्किट से सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का जो वैल्यू होगा वो सिमिलर होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। तब हम सेकेंड स्टेप के लिए जाते हैं, इसी के लिए करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर। तो आई इसका वैल्यू क्या होगा बाबू, आई बराबर होता है वी बटा आर, आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बटा आर। तो करंट निकालने के लिए जैसे ही आप जाइएगा, ये तो निकल गया। अब तीसरे में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आपका, तीसरे में क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं यहां से, ठीक है ना, थर्ड को मैं ला रहा हूं, तीसरा का पोटेंशियल डिफरेंस ही बराबर क्या होता है, I × R लिखा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर। अब देखो तो ही निकालना है, करंट कितना जा रहा था 4 ओम से, 1, आर कितना है 4, कितना हो गया 4 वोल्ट हो गया, हो गया फॉरवर्ड हो गया। फोर्थ नंबर में क्या है, पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रेजिस्टर, पी बराबर क्या होता है बाबू, पी बराबर होता है V × I, पी बराबर पावर डिसिपेटेड का मतलब क्या है, पी बराबर V × I, भी कितना है बाबू 4, ये कितना है 1 बराबर 4 वाट हो गया। पावर का यूनिट क्या होता है वाट, हम लोग यूनिट को लेते चलेंगे, यूनिट को ऐसा नहीं यूनिट को छोड़ना नहीं है, यूनिट को छोड़ेगा नहीं। लास्ट केस में क्या बता रहा है कि डिफरेंस इन अमीटर रीडिंग, अब अमीटर का रीडिंग क्या है, जैसे आपका अमीटर A1 है A2 है, तो क्या दोनों में कुछ डिफरेंस होगा क्या, दोनों जीरो डिफरेंस, लास्ट का आंसर क्या होगा, जीरो डिफरेंस होगा, ठीक है ना, क्या डिफरेंस होगा, जीरो, कोई डिफरेंस नहीं होगा। पांचवा में क्या होगा, जीरो डिफरेंस, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एमीटर कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो आज आपको एक क्वेश्चन से द्वारा आपको कितने क्वेश्चन बनाए गए हैं, 5 क्वेश्चन,
इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा सर्किट आ सकता है एग्जाम में। और बने रहने के लिए आप केडी फाउंडेशन, केडी फाउंडेशन का आप आगे रहिए, फिर मिलेंगे। थैंक यू।